नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो चीज़ जो कि हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से लिखित परीक्षा का फाइनल रिजल्ट मांगा था, फाइनल निर्णय मांगा था कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वो फाइनल रिजल्ट आ गया है, सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश हो गया है। तो इसमें कट ऑफ जारी हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से TGT सहायक अध्यापक भर्ती सन 2016 हाई स्कूल में पाठ्यक्रम बदलने से तकनीकी कला विषय को लेकर दुविधा में फंसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा में पास उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दे दिया है जिन्होंने हाई स्कूल में चित्रकला लिया था। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि तकनीकी कला विषय के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट ने ये याचिका निर्णय को सम्मिलित किया है, माना है। तो इसमें कट ऑफ में हम देखते हैं कि क्या पूरा निर्णय हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा याचिका पर निर्णय होने तक चयन परिणाम घोषित न किया जाएगा। तो जो कि परिणाम घोषित हो चुका है, यानी वो हाई स्कूल में तकनीकी सब्जेक्ट जिसका है उसको लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने LT ग्रेड सहायक अभ्यर्थियों के लिए भी ये बात किया गया है। तो मैं जैसा कि उस कटाप में बताया कि जिसका हाई स्कूल में कला है उनको लिया जाएगा, प्लस में हाई कोर्ट ने LT ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती सन 2016 में तकनीकी कला विषय के अभ्यर्थियों को प्रावधिक तौर पर साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इनके लिए अलग साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाए और याचिकगण को इसकी सूचना देकर साक्षात्कार की तिथि इस याचिका की अगली सुनवाई से पूर्व किसी दिन रखी जाए। कोर्ट ने साक्षात्कार के बाद याचिकगण का अंतिम चयन परिणाम नहीं घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी की इस बात में बल है कि सन 2000 में कक्षा 9 व 10 को अलग कर दिया गया था। 9 में तकनीकी कला विषय था लेकिन 10 में नहीं था। याचियों को तकनीकी आर्ट का ज्ञान होने के नाते चयन में शामिल होने का अधिकार है। याचिकगण ने हाई स्कूल में चित्रकला विषय लिया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह अर्ह हैं, यानी वह शामिल होने योग्य हैं या नहीं। मुकेश तिवारी व 16 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया है। यह आदेश दिया कि याचिका के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना है कि लिखित परीक्षा में याचिका पास है, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया भी गया लेकिन उन्हें यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं लिया गया कि हाई स्कूल में तकनीकी कला की योग्यता नहीं है। चयन बोर्ड की अधिवक्ता ने कहा कि साक्षात्कार की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है, ऐसे में यदि अदालत याचिकागण को प्रावधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल करने की अनुमति देती है तो इसके लिए अलग बोर्ड गठित करने का आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अलग बोर्ड गठित कर साक्षात्कार कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। तो दोस्तों, आप 25 नवंबर तक इंतज़ार करते रहिए फाइनल रिजल्ट के लिए। लेकिन जिनका तकनीकी कला हाई स्कूल में है उनका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा और फाइनल जो रिपोर्ट आएगी वो 25 नवंबर को ही आएगी। तो साक्षात्कार की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर को है लेकिन कंडीशन के हिसाब से इसे भी अलग एक डेट दिया जाएगा जिसका कि साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा और आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। इन्हीं सबको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश दिया था कि इंटरव्यू को ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इंटरव्यू ख़त्म किया जाए या नहीं ख़त्म किया जाए, इस पर जो भी आपका राय है कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हमारी गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया चल रही है इस पर भी अपना विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी सुझाव देना हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारी टीम आपके कमेंट्स को पढ़ती है और जो भी उचित होता है उसका जवाब भी दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।